हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बेसन का उत्पम। उसके लिए मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, एक बड़ी प्याज है, एक टमाटर है, दो हरी मिर्च है, मिर्च स्वाद अनुसार है, एक गाजर है, एक शिमला मिर्च है, और ये मैंने 50 ग्राम पनीर लिया है। ये छोटी बाउल से एक कटोरी चावल का आटा है। अब हम सबसे पहले सब्जियों को कट करेंगे। सब्जी आप कोई भी ले सकते, वेजिटेबल आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जो आप नहीं खाते हो वो स्किप कर दीजिए। मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और एक गाजर लिए छील के। ये देखिए, महीन काटना है सब्जियों को, ज़्यादा बड़े टुकड़ों में नहीं कट करेंगे। कट करके दिखा देती हूँ दोस्तों। सब्जियों को देखिए, मैंने कट कर लिया है। हरी मिर्च और ये गाजर है, गाजर को मैंने ग्रेट करके लिया है और टमाटर को भी ग्रेट करा है, शिमला मिर्च को कट कर लिया है और पनीर को भी कट कर लिया है। आप चाहें तो टमाटर को काट के भी ले सकते हैं, मैंने ग्रेट करके लिया है। ये मैंने एक बाउल लिया है। अब इसमें हम बेसन डालेंगे। जो हमने एक कटोरी बेसन लिया है वो इसमें डाल देंगे। हमने सभी बेसन को इसमें डाल दिया, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। ये एक कटोरी चावल का आटा है वो डालेंगे। ये छोटी कटोरी है जिससे मैंने चावल का आटा लिया है, लगभग 6 चम्मच चावल का आटा है। चाय वाली स्पून से 6 चम्मच चावल का आटा है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स है, नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार है, आधी चम्मच नमक है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह। चलिए कर लेते हैं मिक्स। डाल रहे हैं पानी, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इसमें लम्स नहीं बनना चाहिए। और एक पतला बेटर रेडी करेंगे, जैसे चीले के लिए बनाते हैं सेम वही बेटर रेडी करेंगे हम। पानी डालेंगे, अब इसका एक बेटर रेडी करेंगे, लम्स नहीं होना चाहिए। चलिए मिक्स कर लेते हैं इस तरह। इसको मिक्स करके दिखाती हूँ, पानी ज़रूरत के हिसाब से ही डालेंगे, इस तरह लम्स नहीं होना चाहिए इसमें। इसको अच्छे से इस तरह मिक्स कर लिया है मैंने। ये देखिए दोस्तों, इसके लम्स बिल्कुल मिटा दिए। और इसे एक डायरेक्शन में इस तरह फेंट लेंगे। मिर्च आप इसमें अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मैंने आज हरा धनिया यूज़ नहीं किया है। ये देखें, आप इसमें मिर्च, हरा धनिया कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब आ गए हम गैस की तरफ, चढ़ा दिया है गैस पे। इसमें 1 स्पून ऑयल डालूँगी। ये देखें, मैंने 1 स्पून ऑयल डाल के इसे फैला दिया है चारों तरफ, इस तरह ग्रीस कर देंगे। 1 स्पून ऑयल डाला है। गैस की फ्लेम मीडियम है इस समय। हम उत्पम बना रहे हैं, ऐसा बेटर हमें पतला चाहिए था। ये देखिए, अब इसे हम चारों तरफ इस तरह फैला देंगे, अच्छे से चारों तरफ फैला लेना है हमें। इस तरह मैंने फैला दिया है। अब इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे। सब्जियां आप अपने हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हैं। टमाटर डालेंगे जो हमने ग्रेट करके रखा है, काट के भी डाल सकते हैं आप, छोटे बड़े टुकड़े किसी भी आकार में डालिए। ये मैंने टमाटर डाल दिया है। गाजर डालेंगे जो हमने गाजर ग्रेट करके रखी है वो डालेंगे। चारों तरफ फैला देंगे सब्जियों को इस तरह। ये देखिए, अब इसमें पनीर डालेंगे ऊपर से। ये देखिए,
इस तरह हम चारों तरफ पनीर भी फैला दिया। सारी सब्जियों को हमें सभी तरफ लगा लेना है। हरी मिर्च डालेंगे जो हमने काट के रखी है, मिर्च डाल दिए। अब हम हल्का सा इस तरह दबा देंगे चम्मच से सब्जियों को। और इसे सिकने देंगे चारों तरफ से। ये देखिए हम इसका उत्पम बना रहे हैं। अब इसे हम ढक देंगे 1 मिनट के लिए। मैंने इसे ढक दिया है ताकि जो सब्जियां डाली है वो अच्छे से पक जाएं। 1 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। हम खोल के चेक कर रहे हैं, 1 मिनट हो गया है। ये देखें ये देखें दोस्तों, अब ये बड़े आराम से इस तरह उड़ जाएगा। ये देखें, अब इसके हम चारों तरफ ऊपर घी मक्खन डाल देंगे। ये मैंने मक्खन लिया है दोस्तों, और मक्खन को हम अच्छे से इस तरह चारों तरफ लगा देंगे। इस तरह लगाने से मक्खन पिघलता जाएगा और चारों तरफ लग जाएगा। ये देखें दोस्तों, इसके चारों तरफ मैंने मक्खन लगा दिया है। इस तरफ चाहे तो आप डाल दें इस पे, इस तरह चारों तरफ आप मक्खन डाल दें पिघला के। अभी अच्छे से सिक गया है चारों तरफ से। सब्जियां भी हमारी अच्छे से पक गई है। 1 मिनट होने के बाद सब्जियां क्रंची हो गई है। जैसे हम पिज्जा बनाते हैं उसी तरह बनेगा ये भी। कितना देखने में सुंदर लग रहा है ना दोस्तों, उतना ही खाने में भी स्वादिष्ट है ये। अब इसे हम पकने देंगे थोड़ी देर। अब इसे हम इस तरह पलट देंगे और इसके ऊपर हम मक्खन लगा देंगे। इधर मक्खन से इसका स्वाद बढ़ जाता है दोस्तों, इसलिए मक्खन जरूर लगाएं चारों तरफ इस तरह। चारों तरफ मक्खन लगाने से ये क्रिस्पी हो जाएगा। अब इसे हम फिर पलट देंगे। ये देखे दोस्तों, ये अच्छे से सिक गया है। अब इसे दूसरी तरफ एक बार और सिक जाने देंगे क्रिस्पी। अब ये नीचे से भी क्रंची हो जाना चाहिए दोस्तों। पलट करके सेकते हुए मुझे इसे 2 मिनट हो गया है। अब 1 मिनट हमने दूसरी तरफ से पकाया था, तो हम दूसरी तरफ से फिर इसे 1 मिनट पका रहे हैं। इस तरह एक उत्पम को 3 मिनट लगता है पकने में दोस्तों। ये तीसरा मिनट हो रहा है इसे पकाते हुए मुझे। ये देखे पलट के दिखा दूँ आपको दोस्तों, उत्पम रेडी है मेरा इस तरह। ये देखे अब मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट में। ये देखे दोस्तों, मैंने निकाल लिया है। एक और बना के दिखा देती हूँ। सबसे पहले ऑयल डालेंगे इसमें। ये जो हमारा पहले के उत्पम का मसाला है उसको बाहर कर लेंगे। ये मैंने बेटर लिया है। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे इस समय। इसे पतला फैलाना है, जितना पतला आप फैला सकते हैं। ज़्यादा पतला नहीं, उत्पम आप जैसा खाते हैं चावल के आटे का सेम वैसे ही ये हमारा बनेगा। इसमें हम चारों तरफ गाजर फैला देंगे इस तरह। हमें इसे गीले में ही फैलाना है, गाजर टमाटर। ये देखे यदि ये सूख जाएगा तो फिर बनेगा नहीं। हरी मिर्च डाल देंगे, शिमला मिर्च डालेंगे। एक और बना के दिखा रही हूँ दोस्तों।
चारों तरफ से मैंने इसको फैला दिया है। ये देखे रेडी है। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। चारों तरफ पनीर को भी इसी तरह हमें डालना है, इसलिए हमने इसे क्यूब में कट किया था। ये देखिए दोस्तों, ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। यकीन मानिए, यदि एक बार आपने बना लिया, बच्चे बूढ़े सभी इसे पसंद करते हैं। इसे आप सप्ताह में दो बार ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। रेसिपी को एंड तक देखिए दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम ऊपर से इसमें मक्खन डाल देंगे, चाहे तो आप पिघला के डालें इसे। ये देखिए, मैंने अच्छे से मक्खन से इसे कोट कर दे रही हूँ। थोड़ा सा मक्खन मैं इसमें पिघला के डाल रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से कोट हो गया है मक्खन हमारा। इसमें रख रहे हैं एक मिनट के लिए। एक मिनट बाद इसे चेक करेंगे, अच्छे से बन गया है, सिक गया है। इस तरह पलटा के दिखा रही हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये सिक चुका है। इसी तरह हमें सेकना था इसे। अब इसे हम इस तरह पनीर दूसरी तरफ से सिक गया हल्का सा, इसे इस तरह कर देंगे। दूसरी तरफ से भी जैसे हमने पहले वाला बनाया वैसे ही सेकेंगे। चलिए सेक लेते। अच्छे से बन गया है, सिक गया है। इस तरह पलटा के दिखा रही हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये सिक चुका है। इसी तरह हमें सेकना था इसे। अब हम इसको गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम बंद कर दी है मैंने। इसे एक प्लेट में, ये देखिए, इस तरह हमने इसे निकाल लिया है। अब हम इसे कट करेंगे दोस्तों। बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम इस तरह कट कर लेंगे। चलिए कट कर लेते हैं। कट करके फिर दिखाती हूँ आपको दोस्तों। आपको दिखा दिया, ये मैंने कट कर लिया है चार टुकड़ों में। चार पीस किए हैं इसके, और ये मैंने अभी कट नहीं किया है। ये देखिए, आपको दिखा देती हूँ दूसरी तरफ से भी। उत्पम पनीर ने इस तरह कट कर दिया है दोस्तों। बस इसे आप सॉस, हरी चटनी किसी से भी खाइए, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है दोस्तों। ये मैंने हरे धनिया और टमाटर की चटनी के साथ इसे सर्व किया है। आप किसी से भी खाइए, ये बहुत स्वादिष्ट बनता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है दोस्तों। ज़रूर बनाइए एक बार मेरे तरीके से। देखने में जितना सुंदर लग रहा है खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। एक बार ज़रूर बनाइए आप लोग। जब तक आप बनाएंगे नहीं तो आपको स्वाद कैसे पता लगेगा दोस्तों। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तों। बनाइए, खाइए। यदि पसंद आए मेरी रेसिपी तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना आप ये मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और कहाँ से जुड़े हैं आप मेरे साथ। कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको कैसी लगी। बनाइए, खाइए। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।